हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्रेजी श्रुति व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखो सुबह का मौसम, तो चलो आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ नीचे जा कर के। तो सुबह ना बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है और अच्छा लग रहा है मौसम। तो गाइस, यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ, जो कि ये पोहा है इसको मैं धो करके रख दी हूँ। मैंने लिया टमाटर, प्याज, मिर्ची और ये करी पत्ता और ये मटर और ये छील के मैंने आलू ले लिया है। और यहाँ पे मैंने मूंगफली को फ्राई होने के लिए डाल दिया है गाइस। तो बताती हूँ, तेल में मैं डाल दूंगी राई। गाइस राई तड़क गया, उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। और अभी प्याज, मिर्ची, करी पत्ता इसमें मैं डाल लूंगी गाइस। तो मैंने प्याज और मिर्ची और करी पत्ता अभी जस्ट डाला है, मैं डालते हुए दिखाई नहीं, डालने से पहले दिखाई है ना, बन नहीं रहा था क्योंकि मुझे। तो अभी इसे थोड़ा सा पका लेंगे हम। इसे हम थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी कलर के लिए और टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिए हैं। अब जो भी हमारे यहाँ ये सब्जी है सबको एक साथ हमको डाल के पका लेना है, अच्छे से हमको पका लेना है। तो ये देखिए पोहा जो है कितने खिले खिले मैंने धो लिया है। तो गाइस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल ली हूँ, थोड़ा धुआं आ रहा है तो पानी डाल करके पका लूँ ताकि ये मटर वगैरह है, आलू वगैरह है, वो अच्छे से पक जाए। आलू आप स्किप कर सकते हो, गाजर डाल सकते हो, कुछ था नहीं तो मैं थोड़ा सा आलू ही डाल दी। राइस हमारा जो भी मसाला है पोहा का वो बन गया है। अब मैं इसमें पोहा डाल दे रही हूँ। तो सारे पोहा डाल दिए हैं, बस इसको अब अच्छे से मिक्स करना है हमको। चलो इसको मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि सूट मैं ही कर रही हूँ, ट्राईपोड भी नहीं लाई हूँ। तो गैस इस पोहा में मैंने बादाम डाल दिया है, जो मैंने भून, बादाम नहीं मूंगफली, हम लोग बादाम भी बोल देते हैं ना, और ये क्या बोलते हैं, कोरिएंडर लीफ, क्या धनिया डाल दिया है। तो ये इसको अभी अच्छे से मेरे को मिक्स कर लेना है। तो ये मेरा है पोहा, इसमें मैंने प्याज और नींबू लगा के खाया जो कि बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे बाहर आ करके मैं खाई, इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, केवल हल्दी और नमक। तो गाइस अभी हम लोग बना रहे नींबू अचार और एक नींबू को घीस लिए हैं और यहाँ रिचल घीस रही है और ये है खपरा। इसमें हम लोग को इसका जो ऊपर वाला एक लेयर होता है उसको निकाल, जो कड़वा रहता है उसको हम लोग इस घीस के हटा ले रहे हैं और यहाँ पे घीस घीस करके पोंछ लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट ये बहुत टेस्टी लगता है, तो हम बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो गाइस हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए और यहाँ पे रिचल घीस ही रही है और तीन को घीस लिए, सबको चार चार ठीक घीसना है। तो अभी मुझे भी चार ठीक घीसना है, सब लोग टर्न मतलब बांट लिए हैं क्योंकि एक ही करेंगे तो थक जाएंगे, एक किचन करेंगे तो इसमें मेहनत लगता है, बनाने समय भी दिखाएंगे, पहले हम घीस लेते हैं फिर। तो ये खपरा है, इसमें मेरे को ऐसे बस रगड़ना है ताकि ये जो है ना दिक्कत आ गया, ये देखो यहाँ पे सॉफ्ट हुआ है। वैसे इसका एक लेयर को निकाल के पानी से पोंछ के या पानी में धो करके आप लोग इसको थोड़ी देर सुखा के अचार डाल लें, या तो ऐसे ही पोंछ सकते हैं। गलत बता रही हूँ, पहले ही धो लेना है इसको और दोबारा नहीं धोना है, पहले ही धो लेना है, बोल रही हूँ। धो करके पोंछ करके ऐसे ड्राई हो जाएगा फिर खींचना है। अच्छा हाँ, कुछ नहीं, बाद में नहीं धोना। सुन लिए ना आप, सुनो, बाद में नहीं धोना है, गलती से बोल दे रही थी बाद में धोना। ये रिचल ही बनाती है, ये देखो किस तरीके से घिस रहा है, अच्छे से मैं घिस लेती हूँ। क्या लाया दिखा, इधर लेकर के आना, खोल के दिखाना। तो ये डब्बा लेकर के आया है, बहुत बड़ा डब्बा ले आया है, छोटा भी है इससे, लेकिन अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। यही तो उतना का ठीक है, लेकिन क्या है कि ना उतना का तेरे पास अचार नहीं है जितना के लिए। तो ये सेलो का डब्बा लेकर के आया है अचार डालने के लिए, ये देखो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। अभी कितना बज रहा हो?
और मैं तो और नहीं मतलब इतना बड़ा डब्बा के हिसाब से। तो गाइस हम लोग यहाँ पे सारा चीज नींबू को घिस लिए हैं, ये देखो, और यहाँ पे नमक रख लिए हैं। तो किस तरीके से बनता है? हाँ, इसमें 28 नींबू नमक लगेगा, बताते हैं। अभी एक कटोरी निकाले हैं। हाँ, तो अभी एक कटोरी नमक निकाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें नमक जाएगा गाइस, सबसे थोड़ा सा, थोड़ा ही जाएगा ना शुरू में, ऐसे स्टार्टिंग में। फिर अभी नींबू डालूंगा। ये नींबू जो नींबू बोलते हैं, ये नमक जो है ना, यही इसको धूप में रख देंगे, तो नमक के थ्रू ये गलेगा। अच्छा, इसको अभी हम इस तरह से डाल देंगे। अच्छा, पानी तो छोड़ता है ना नमक, पानी छोड़ता है। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे बीच। इसमें कोई तेल मसाला कुछ नहीं डालना है, बस नमक डालेंगे और ये पक जाता है। इससे पहले भी हमने बनाया, हाँ इससे पहले भी बनाया है, तो हम लोग इस तरह सेकेंड बार बना रहे हैं। पहले वाला भी बहुत अच्छा बना था गाइस। तो एक पहले डाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा नींबू डालते हैं। देखिए अब 28 नींबू में मतलब कितना नमक लगेगा बता दीजिए। तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा इस तरीके से नमक ऊपर ऊपर डालते हैं, है ना। अब इसको और डाल देंगे, अटेगा कि? हाँ, ये तो धीरे धीरे ये ना नीचे जाएगा ये। हाँ, ये थोड़ा सॉफ्ट होगा ना, धीरे धीरे गल गल के नीचे जाएगा। तो इसको पहले ही धो लेना है, फिर घिसना है ना। देखो ये सारा अटके सब। अब इसमें थोड़ा सा ही नमक लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, एक दो तीन चम्मच। हाँ, एक कटोरी, दो कटोरी लगा रहे हैं हम। पिछले बार में 12 में एक कटोरी नमक ऐड की थी। नमक नहीं लगता वो ना, अब मतलब उसको ना चूस लेता है ना नींबू नमक को, तो फिर अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है तो इसको नमक हो जाएगा होगा शायद। सादा मतलब सादा नींबू अचार बना रहे हैं, बाद में अगर चाहेंगे तो नींबू गलने के बाद उसको मसाला वाला भी बना सकते हैं। तो ऐसे भी कोई कोई मसाला वाला बनाते हैं। हाँ, डायरेक्ट भी मसाला वाला भी बना सकते हैं। इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं लगता है, बस ये वाला एकदम सिंपल बनता है और बहुत टेस्टी बनता है, एकदम अच्छा लगता है। हम लोग खाए हैं ये वाला अचार एक बार, बनाई, हाँ बना तो चुकी है। हाँ, तो एक आध दो बच्चा भी है, तो कभी ट्राई करके देखना अगर आप लोगों को मतलब ऐसे शंका वगैरह लगता है कि कैसे बनेगा बिना तेल का। ये मतलब स्टार्टिंग में पिघलेगा तो आधा, ये पूरा नींबू में चिपक जाएगा, फिर ऐसे लगेगा ना ड्राई टाइप का, एकदम सफेद टाइप का दिखेगा, तो ये नहीं समझना है कि ये फफूंद हो गया है, फंगस हो गया है, बिल्कुल ना समझे। इसको थोड़ा सा मतलब पेशेंस की जरूरत है, हो जाता है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो इसको 4 नींबू से बना सकते हैं, और ज्यादा तो 20 में बन जाएगा, एक नींबू 5 का मिलता है। एक कटोरी इतना बड़ा कटोरी में मैं एक कटोरी इतना मैं नमक ली थी, फिर और एक बार और एक कटोरी भरी थी उसमें दो कटोरी ली एक कटोरी ली, फिर एक 2.5 ली है, इतना हाफ भी काफी मतलब हाफ से कम, जैसे मतलब समझ में आ जाएगा लोगों को, मतलब एक एक लेयर डालने के बाद नमक डालना है, फिर दूसरे लेयर के बाद नमक डालना है। बस इसमें क्या है कि एक वो टेक्निक से भी बनता है, एक नींबू निचोड़ लेते हैं, हाँ रस से, नींबू का रस से भी बनता है, लेकिन ये सिंपल दूसरा वाला। इसमें क्या है कि नींबू क्या है कि हम नींबू एकदम महंगा भी रहता है ना, नींबू का रस निचोड़ेंगे तो उतना नींबू लगेगा जितना रस निचोड़ेंगे उससे ज्यादा। यही अब इसको अब डायरेक्ट कितना दिन बाद खुलेगा? तो ये लगभग 3 के बाद खुलेगा, तो आप लोग भी ट्राई करना। और गाइस यहाँ मैं स्टडी कर रही हूँ, और ये जो स्टडी है ना वो मैं अचार मतलब घिस नींबू घिसने से पहले नहीं मतलब नींबू घिसने के बाद करी, क्योंकि आधा नींबू हम लोग लेकर के आए थे 1 नींबू, तो उसको पहले घिस लिए और डब्बा बड़ा हो जा रहा था, है ना। तो नींबू हम लोग आधा किलो जैसे बाद में और लेकर के आए, तो जैसे मार्केट गए थे, है ना। तो मैं थोड़ा देर स्टडी वगैरह करने के लिए यहाँ पे बैठ गई थी, है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना स्टडी वगैरह जो भी था वो मैंने किया गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्लिप ले लिया, फिर अचार को इधर उधर मतलब उसका क्लिप ना हो जाए बोल करके, मतलब रेसिपी अच्छे से सूट हो जाए बोल करके, इधर उधर ना रहे बोल करके, इसको मैंने डायरेक्ट मतलब रेसिपी को दिखा दिया। हालांकि स्टडी के बाद हैं बाद में हम लोग ने नींबू को डाला था, मतलब अचार को डाला था नींबू, और फिर मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, डायरेक्ट नहा धो करके अपना लंच वगैरह करके जो भी काम था पढ़ना लिखना वो किया, और डायरेक्ट मैं शाम का स्टडी में यहाँ पे शूट कर रही हूँ गाइस और स्टडी कर रही हूँ। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना, थैंक यू।